अच्छा, तो तुम्हें भी वही चाहिए जो इस दुनिया में है ही नहीं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर ना। तुमने तो अभी तक एआई इन्फ्लुएंसर्स की कुंडली निकालना चालू कर दिया होगा। यूट्यूब पे इतने वीडियोस देख देख के तुम्हारा तो दिमाग पक गया होगा। तो तुम्हारी तो सांस अटक गई होगी। लेकिन क्या तुम्हें पता है, अभी हम कायरा दीदी के घर पे थे। हाँ, ये वही वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने अमन गुप्ता के साथ करते करते यहाँ तक आ गए। लुकिंग क्यूट अमन। अब आते हैं, खोलते हैं। ओके, थैंक यू। खैर, ये है कायरा का इंस्टा अकाउंट जिसमें ब्रांड्स के साथ कोलैब्स भी है और एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर भी है इनका, जो हमने खुद जाके नोटिस किया है। और इनकी तरह भी इनकी सहेलियां भी हैं। एक बात समझने जैसी है, जितनी आसानी से ये यूट्यूबर्स बता देते हैं उतना आसान बनाना है नहीं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। फिर मुझे एक सज्जन व्यक्ति की बात याद आई जो कहते थे हम भी बना लेंगे। बस इसी चीज को लेके मैंने अपने दूरभाष यंत्रों को एक्टिवेट किया ताकि मैं भी एंटीना लोपेज या कायरा आंटी या अंकल जो बोलो वो बना सकूं। ओके। देखो, इस वीडियो को बनाए हुए हमें 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पृथ्वी ने यहाँ तक अपनी परिक्रमा लगा ली है सूर्य की, तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब आप एक अगर वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को सीरियस बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हारे मन में ये 5 सवाल तो जरूर आए होंगे। पहला, कैसे बनाए और किन टूल्स के मदद से बनाए। दूसरा, हम इमेजेस तो जनरेट कर ही लेते हैं लेकिन वीडियोस को कैसे जनरेट किया जाए कुछ ऐसे। तीसरा, हमने इमेजेस जनरेट कर ली लेकिन अगर हमें ब्रांड्स के साथ कोलैब करना है तो ब्रांड्स को अपने वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के साथ फोटो में कैसे दिखाएंगे, क्योंकि एआई अभी ब्रांड्स को नहीं समझता, उसको नहीं पता कि बोट का लोगो कैसे दिखता है या नायका कैसा दिखता है। चौथा, क्या सच में स्किल्स की जरूरत है। और पांचवा, इसे बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए और इससे पैसे कैसे लिए जाए। तो सबसे पहले कैसे बनाए। ज्यादातर लोग तुम्हें YouTube पे फोकस के बारे में बताएंगे जो कि हाइपर रियलिस्टिक ह्यूमन फेसेस बनाने के लिए बहुत प्रचलित है और वो सही भी है, लेकिन एक तरीका नहीं है ना, 5 तरीके हैं। पहला तरीका तो फ्री तरीका है कि फोकस का गूगल कोलैब के साथ आप इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसका रन टाइम। ये कभी भी पॉज हो जाता है, कभी चलता है नहीं चलता है, रन टाइम हमारा कम हो जाता है, वो सारी इश्यूज जो होते हैं वो आते रहते हैं। लेकिन ये फ्री है, अगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका आता है, हम रन डिफ्यूजन, जो कि हमें पावर देता है ऐसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वहां पर फोकस का इंटरफेस आता है। अब आसान भाषा में तुम यही समझ सकते हो कि रन डिफ्यूजन इक्वल्स टू गूगल कोलैब, लेकिन ये थोड़ा पेड वर्जन में आ जाता है। हाँ, 30 मिनट आपको यहाँ पर फ्री मिलते हैं। आप अगर काम नहीं कर रहे तो वो उन 30 मिनट्स को स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बाद आपको मिनिमम $5 तो पे करने ही पड़ेंगे अगर आपको रन करना है रन डिफ्यूजन। खैर, अगर आपके पास $5 है तो शायद ये सबसे बेस्ट तरीका होगा, इसलिए लोग यही बता रहे हैं। तो मैं क्यों पीछे हटूं। अब जैसे ही तुम इस वेबसाइट पर पहुंचोगे, लॉगिन या साइन अप कर लो। अब सेटअप करने के बाद तुम इस पेज के ऊपर पहुंचोगे जहां पर तुम्हें बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अभी हम फोकस पे फोकस करेंगे। तो फोकस पे क्लिक करो और उसे लॉन्च करो। अब यहाँ पर तुम अपना प्रॉम्प्ट डालोगे कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और ये प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से और मिल सकता है या खुद आपको कैसे बनाना है वो आगे वीडियो में जानेंगे। अब फिलहाल मैं अभी ये वाला प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। अब एडवांस के ऊपर क्लिक करो तो आपको यहाँ पर बहुत सी सेटिंग्स देखने को मिलेगी। बेस्ट सेटिंग जिससे आपको रियलिस्टिक इमेजेस मिले तो क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना, और जिस भी एस्पेक्ट रेशियो या साइज में इमेज आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना। अब इसको सेट करने के बाद स्टाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो और फोकस फोटोग्राफर ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेना, और बस फिर क्या, जनरेट के ऊपर क्लिक करो, ये जनरेट करने लग जाएगा और आपको ऐसी इमेजेस दे देगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब तुम्हें एक ही फेस कंसिस्टेंट चाहिए। अब तुम नीचे आओगे तो यहाँ पर इनपुट इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करो, इमेज प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो और जो तुमने अभी डाउनलोड की है फोटोग्राफ उसे अपलोड करो। अपलोड होने के बाद एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करो और फेस स्वैप ऑप्शन को क्लिक करो। अब तुम यहाँ पर प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर सकते हो लेकिन तुम्हारे कैरेक्टर का फेस वही रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर पार्टी सीन दिखाना है तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट में थोड़े से चेंजेस करूंगा और मेरा कैरेक्टर का फेस वही रहेगा। अगर आपको थोड़ी और डिटेल्स इसमें इम्प्रूव करनी है या वाइड एंगल इसको दिखाना है तो इन पेंट आउट पेंट ऑप्शन पे क्लिक करो, इमेज को ड्रॉप करो और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको सिलेक्ट करके जेनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करो,
और इस फोटो में तुम्हें और डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अब चलो सीखते हैं कि डिफरेंट पोजेस में आपको कैसे इमेज जनरेट करनी है और फेस वही रहे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने पोजेस को। तो रेप्लिकेट करने के लिए हमें एक इनपुट इमेज की जरूरत है। उसके लिए हम पिक्सेल्स, पिक्साबे, अनस्प्लैश, शटरस्टॉक जैसे वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहां पर जाओ और फीमेल मॉडल के कोई भी पोज को सिलेक्ट करो, डाउनलोड करो और वापस रन डिफ्यूजन पे आओ। अब सेम वही इमेज प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पे आओ और जो इमेज तुमने डाउनलोड की है उसको अपलोड करो और पायरा कैनी को सिलेक्ट करो और जेनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब उसी पोज में आपके AI इन्फ्लुएंसर की इमेजेस तैयार हो जाएंगी। अब ये तो दो तरीके हो गए, तीसरा तरीका आता है फ्लक्स वन AI। AI की साइट पे जाओ या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से चले जाओ, पेड नहीं है। अब मैंने नोटिस किया है कि फ्लक्स AI भी अच्छे रियलिस्टिक इमेजेस बनाने लग गया है बॉस। सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, अपना प्रॉम्प्ट डालो। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी ये वाला प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ। हाँ, प्रॉम्प्ट से याद आया कि आप चैट GPT से भी प्रॉम्प्ट ले सकते हैं और उससे कैसे लेना है उसका प्रॉम्प्ट ये रहा, जिससे चैट GPT आपको आपके AI कैरेक्टर का प्रॉम्प्ट दे देगा, जिससे आपको थोड़ी और आसानी होगी। लेकिन फिलहाल हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब आपने प्रॉम्प्ट डाल दिया, नीचे आके रियलिज्म के ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ से आप एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी 1:1 ले रहा हूँ और इसे एग्जीक्यूट करो और तुम्हारी इमेजेस बनना तैयार हो जाएंगी। इसे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करो और इमेज को डाउनलोड करो। बस ये एक ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताया। फ्लक्स AI का एक और बड़ा फायदा है, आप अपने इन्फ्लुएंसर या इमेज जनरेशन में कंपनीज को ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई बड़ी कंपनी का ही ले लेता हूँ, तभी ऐड होगा। जैसे कोका कोला का फॉर एग्जांपल, मुझे इस इन्फ्लुएंसर के हाथ में कोका कोला का कैन पकड़ाना है, तो बस प्रॉम्प्ट मैंने डाल दिया और यहाँ पर वो इमेज जनरेट हो गई। अब चौथा तरीका आता है मिड जर्नी वर्जन 6.1 का यूज करने का। हाँ, ये पेड़ है, बहुत ज्यादा पेड़ है। लेकिन इसमें सिर्फ वही दिक्कत है कि आप पोजेस को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको उस कैरेक्टर का फेस मिल सकता है। पांचवा और सबसे कंट्रोवर्शियल टूल आता है, जिसको मैं बताना नहीं चाह रहा था पहले, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, गलत इस्तेमाल मत करना। इस टूल का नाम है डीप मोड AI। हाँ, ये वही टूल है जिसमें कोई सीमाएं नहीं है, यानी कोई फिल्टरेशन नहीं है। मतलब बहुत से वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स के जो ओनर्स होते हैं इस टूल का इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लिसिट दिखाने के लिए, यानी 18+ इमेजेस बनाने के लिए, और इनका बिजनेस मॉडल अलग ही चलता है। इस टूल का ज्यादातर इस्तेमाल ओनली फैंस के सब्सक्रिप्शन लेने में किया जाता है। लेकिन एक चीज है, इस टूल को बनाया गया था कि आपका AI कैरेक्टर जो आपने जनरेट किया है उसकी इमेजेस को ट्रेन कर सके। अब जैसे ही तुम डीप मोड की वेबसाइट पे लॉगिन या साइन अप करोगे तो तुम्हारे पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, लेकिन मेरे पास अभी 0 है। तो यहाँ पर और भी कई मॉडल्स हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना ही एक अलग मॉडल बनाना है जो कि प्राइवेट मॉडल्स की लिस्ट में आए, तो क्रिएट योर ओन मॉडल पे क्लिक करो, अपने मॉडल का नाम दो, जेंडर सिलेक्ट करो और रियलिस्टिक प्रोफेशनल के ऑप्शन पे सिलेक्टेड रहो। तो यहाँ पर आने का मेन पर्पस ये भी था कि हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकें, जिससे हमें बार बार प्रॉम्प्ट ना डालना पड़े और हमें डिफरेंट इमेजेस भी मिल जाएं। अब फॉर एग्जांपल फोकस इंटरफेस, मिड जर्नी या फ्लक्स वन AI से जितनी भी हमने इमेजेस निकाली अपने AI इन्फ्लुएंसर की, तो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। वो AI इमेजेस जो होंगी वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें सनग्लासेस ना हो या किसी के साथ ना हो और उसमें हार्श शेडोज या ब्यूटी फिल्टर्स ना लगे हो, तभी ये अच्छे से ट्रेन हो सकता है। अब सीधा अपलोड फाइल्स के ऑप्शन पे आके वो सारी इमेजेस सिलेक्ट करो जिसमें आपके AI इन्फ्लुएंसर का फेस है। नीचे आके आई एग्री पे क्लिक करो और मॉडल को ट्रेन करो। अब फिर इसी के ऊपर प्रॉम्प्ट डाल के आप डिफरेंट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट पोस्टर्स की, डिफरेंट इमोशंस की और डिफरेंट सिनेरियोस की। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर देते हैं। ये तो थे इमेज जनरेशन के तरीके। अब आती है कि इन इमेजेस को हम वीडियोस में कैसे कन्वर्ट करें। हाँ, उसके एक नहीं, दो नहीं, चार तरीके। तो पहला तरीका तो रन डिफ्यूजन ही आता है। आप रन डिफ्यूजन की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फेस फ्यूजन के ऑप्शन पे क्लिक करिए और अपने AI इन्फ्लुएंसर की इमेज अपलोड करो। वो वीडियो अपलोड करो जिसमें आपको अपने AI इन्फ्लुएंसर का फेस चाहिए और उसके बाद नीचे आके स्टार्ट पे क्लिक करो और आउटपुट के ऑप्शन पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यार आपका AI इन्फ्लुएंसर कैसा दिख रहा है फेस स्वैप होने के बाद। लेकिन किसी का भी फेस का इस्तेमाल ना करें, और करें तो बिल्कुल परमिशन लेके करें। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। हाँ, अगर आपको रन डिफ्यूजन का इस्तेमाल नहीं करना तो आप वही गूगल कोलैब में जाके फ्यूजन फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर मैंने ट्राई करके देखा, वही रन टाइम प्रॉब्लम हमेशा आ जाती है। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, अगर मन हो तो ये देख लेना, आई बटन पे है। अब दूसरा तरीका जानने से पहले मैंने तुम्हें बिहाइंड द सीन्स नहीं बताया ना, Kyra AI कैसे बनाया जाता है।
हाँ, हम कायरा एआई के घर पे गए राखी बांधने। हाँ, राखी निकल चुकी थी, लेकिन उसके आगे क्या हुआ वही देख लो। आज हम एक ऐसी दीदी से राखी बनवाएंगे जो अभी इस दुनिया में नहीं है। खैर, अब आते हैं, खोलते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, तो ये रहे दोनों फाउंडर्स, जॉर्ज, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये हमारे दीदी के देवर हैं, और ये दूसरे, थैंक यू। और ये है टीम, ये आपका नाम? चैत्रिका। ये चाची हैं आप? ध्रुव। मामा जी, थैंक यू। और दीदी की फोटो, थैंक यू। आपका नाम सर? हाँ, फूफा जी। आप? दिगंतो साहा। क्या? दिगंतो साहा। दिगंतो साहा, क्या दें सर रिलेशन में नाम? आप ही बता दो। कजिन भाई। कायरा एआई यानी फ्यूचर स्टूडियोज के ऑफिस में जाने का एक बड़ा रीजन हमारा यही था कि उस चीज को समझना कि वो काम कैसे करते हैं, या अपने एआई इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स के साथ कैसे कोलैब कर सकते हैं। हमने जितना भी उनके साथ टाइम बताया, एक चीज हमें देखने को मिली कि आपको यहाँ पर दो स्किल्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, पहला 3D मॉडलिंग और दूसरा क्रिएटिविटी। अगर आप सीरियस हो किसी एआई इन्फ्लुएंसर बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में, तो 3D मॉडलिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो वहाँ हमें उस ऑफिस में तीन चीज़ें पता चली, जितना फाउंडर्स बता सकते थे उतना तो उन्होंने बताया, लेकिन बाकी चीज़ें हम अपनी नज़रों से थोड़ा इधर उधर करके देखते रहे, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स और कोका कोला का फॉर्मूला कोई रिवील नहीं करता। कायरा एआई को बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, पहला अनरियल इंजन, दूसरा रनवे ML के कुछ मुझे लगा कि यहाँ पर ग्लिम्स देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा लूमा लैब्स का भी मुझे लगा कि यार लूमा लैब्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, वैसे पूरा श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ अनरियल इंजन और रनवे ML का कॉम्बिनेशन मुझे पता चल रहा था। तो इसी से ही हमारा दूसरा तरीका भी आता है अपने AI इन्फ्लुएंसर को वीडियोज में कन्वर्ट करने का, वो है रनवे ML Gen 3 से हमने अभी अभी एक AI एड भी बनाई थी, और Gen 3 का इस्तेमाल आप अपने इन्फ्लुएंसर के साथ मज़े से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यही फोटो ली, इसके ऊपर प्रॉम्प्ट डाला और ये वीडियो जनरेट हुई। वाओ, यही इस्तेमाल आप लूमा लैब्स में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जिसमें कोई शक शुबा ही नहीं है वो अनरियल इंजन ही है, लेकिन उसको भी हम कैसे वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, उसमें 3D मॉडलिंग भी लगती है, आपका सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए तभी आप अपने इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर सकते हैं सीमलेसली, जो और ज्यादा रियलिस्टिक लगे, वरना जब तक इमेजेस से ही काम चला लो ज्यादा ही तुम्हें चुल मच रही है। तो अब तक हमारे ये डाउट्स तो सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए? अगर आप कायरा एआई को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर आज भी इसी वक्त आप DM करने उसे जाओगे तो वो इंस्टेंटली रिप्लाई देगी 15 से 20 सेकंड बाद, और वो सारे ऑटोमेटिक रिप्लाईज होते हैं और आपके लिए कस्टमाइज रिप्लाईज होते हैं। हाँ, जाके चेकआउट करो, मैं ही कर लेता हूँ पहले।
तो ये ऑटोमेटिक डीएम्स जो हैं आपकी इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं और एक पर्सनल कनेक्शन आपके ऑडियंस के साथ बना सकते हैं। अब उसके लिए हमें फाउंडर्स ने हमें ये तो नहीं बताया कि किस टूल का इस्तेमाल वो करते हैं, लेकिन हम भी कहाँ रुकने वाले हैं। थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि यार कुछ ऐसे टूल्स हैं, लेकिन मैनी चैट्स का इस्तेमाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगा कि हाँ हो सकता है। यहाँ पे मैनी चैट्स के अंदर आप अपना वर्कफ्लो बना सकते हैं और बहुत से आप इंस्टाग्राम रील्स तो देख ही रहे होंगे, बस ये कमेंट कर दो आपके पास फाइल पहुंच जाएगी। वही इसी टूल से होता है। तो वही एक प्रैक्टिकल चीज मुझे लग रही थी कि मैनी चैट्स के साथ यहाँ पर कायरा एआई को इंटीग्रेट किया गया है जिससे वो ऑटोमेटिक रिप्लाईज आपको दे सके। लेकिन आप कहोगे इससे पैसा कैसे आएगा? देखो तीन तरीके हैं, या तो आप ब्रांड्स के साथ कोलैब करें एक अच्छी प्रोफेशनल तरीके से। हाँ, अगर ज्यादा ही एक्सप्लिसिट बनाओगे तो तुम्हें ओनली फैंस का ही सहारा है। लेकिन फ्यूचर स्टूडियोज में हमें उनके बिजनेस के बारे में थोड़ा और पता चला। वहां पर वो डिफरेंट अवतार्स बना रहे हैं, डिफरेंट वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं जो आपको आगे जाके कंसल्ट करेंगे। सो जैसे हमने कायरा बनाया, कायरा इंडिया की सबसे पहली वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। हम एक वर्चुअल ह्यूमन कंपनी है, तो कायरा जैसे और वर्चुअल कैरेक्टर्स आप देखोगे, कायरा के आप अलग अलग टाइप के वीडियोस, आप ऑलरेडी कायरा से चैट कर सकते हो, आप उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप उसको वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हो, तो और वेज में आप कायरा के साथ चैट कर पाओगे या इंटरेक्ट कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल कायरा AI तो आपकी सुख दुख के साथी है ही, इसके अलावा वो डॉक्टर्स, एस्ट्रोलॉजर्स सभी के वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स बनाएंगे ताकि आगे जाके आप उन्हीं से कंसल्ट कर सके। हाँ, उसकी सब्सक्रिप्शन फीस भी होगी, तो वो उस तरीके से अपना बिजनेस मॉडल आगे रन करेंगे। ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का बिजनेस मॉडल कैसा हो सकता है, बाकी अगर कभी आगे जाऊंगा तो बता दूंगा। खैर, मैंने आपको एक चीज बताई कि नहीं बताई, ये पहला पार्ट है AI इन्फ्लुएंसर बनाना, हमने जो सिखाया था पुराने तरीका है, और ये वाली वीडियो को क्लिक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका टॉपिक असलियत में क्या है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।